شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه वमन तबियाम भी अहसानिन इलायद्दीन अम्माबाग अल्लाह ताली का फ़ल्ल करम है कि शर हदीफ जबरील की मजलिस में हम शर्क हैं इससे पहले बहुत सारी बातें हमारे पास आईं मजलिस के आदाब क्या होते हैं उस्ताद से कैसे अदब के साथ उस्ताद के सामने बैठना चाहिए तो उसके बाद उस हदीस में जो बातें हैं जो जो सवालात जबरील अमीन ने अल्लाह के नबी वसल्लम से किया उस सवालत को यहाँ इन्होंने जवाब की शक्ल में बताया है तो जबरील का जो पहला सवाल था क्या था इस्लाम क्या है पहला सवाल ये था कि इस्लाम क्या है तो यहाँ इन्होंने बयान किया अरबी इबारत पहले हदीस की यहाँ लिखी वक़ाल या महमद अखबर नाना इस्लाम तो गुज्ता दरस में मैंने बताया था कि अल्लाह के नबी नबीम को नाम लेकर हम नहीं बुला सकते ठीक है तो यहाँ या मोहम्मद जबरील ने जब पुकारा तो इस तरीके का शरूर देने के लिए कि ऐसे ही वो लोग जो खेड़े पाड़े से आते थे अल्लाह के नबी नबीम को बुलाते थे लोग पहचान नहीं सकें कि ये जबरील हैं उन्होंने मखफी रखना चाहा हाँ अगर नाम लेकर एक हालत में बोल सकते हैं अगर कोई पूछे कि हमारे नबी कौन हैं तो तब क्या कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो या मोहम्मद अखबर ने इस्लाम मुझे इस्लाम के बारे में बताइए फ़ाल रसूल अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया आ, और इसकी वजह वजाहत भी उन्होंने की है तो अल्लाह के नबी सफरमा तश अल्लाह व अन्ना महमद रसूल व तो व सला विज़क़ा व तसु मरमदान व तहजलब सबीरा ये चीज़ें अल्लाह के नबी सम ने गिना दी कि तुम गवाही अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा मबूद नहीं है मोहम्मद अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं व तुकीम मह नमाज की पाबंदी करो और ज़क़़त अदा करो नमाज क़ायम करो मतलब और ज़क़़त अदा करो व तस्म रमवान रमवान के रोज़े रखो और माशा हजैतुल्ल्ह करो व तहजुलबैत इन इस्ता तिर ही सबीला अगर तुम्हें ताकत हो तब तो सहाबा कहते हैं कि जबरील अमीन ने यह सवाल पूछा अल्लाह के नबी नबीम ने जवाब दिया तो अल्लाह के न, ये जबरील अमीन ने कहा सदक आपने बिल्कुल सच कहा तो साहबा को बड़ा ताज्जुब हुआ ये कैसा सवाल करने वाला है अल्लाह के नबी से सवाल भी कर रहा है फिर उसकी तस्दीक भी कर रहा है आपने सच कहा ऐसा बड़ा आदमी कौन है तो फाजब नही सद्दिख हमको बड़ा ताजुब हुआ वो पूछ भी रहे हैं और तस्दीक भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने सच कहा तो यहाँ इन्होंने एक बात इन्होंने लिखा है ये तो मालूम है इस्लाम क्या क्या है एक अल्लाह की वहदानियत की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है और अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल हैं नमाज़ क़ायम करो ज़क़ात दो रमज़ान के रोदे रखो बैतुल्ला का हज करो अगर ताकत हो तो मतलब क्या हुआ भीख मांग कर जाने की ज़रूरत नहीं अगर कोई पैसा देता है तब जा सकता कोई हरज नहीं तो यहाँ एक सवाल इन्होंने लिखा है कि इस्लाम और ईमान में क्या फ़र्क है क्या हमेशा इस सवाल हमारे पास आता है तो हम लोग इसका सीधा साधा जवाब देते हैं इस्लाम वाहिरी उमूर का नाम है ईमान बातिनी उमूर का नाम है इस्लाम वाहिरी कामों का नाम है ईमान अंदर की जो बातिनी चीजें हैं उसका नाम है उसका सीधा सा जवाब तो इस्लाम चंद वाहिरी चीजों का नाम है और जब जिबरी अमीन ने ईमान की बाबत पूछा तो आपने चंद बातिनी कामों का जिक्र किया यहां और भी तफसील से बताते हैं कि इस्लाम और ईमान ये दो ऐसे क़लिमात हैं जब उन्हें एक जगह जमा कर बयान किया जाए तो दोनों के माने में फर्क है ईदाजतम आ जब दोनों जमा हो जाते हैं तो दोनों के मीनिंग बदल जाते हैं जब दोनों अलग अलग बयान होते हैं तो एक ही माने में बयान होते हैं इस्लाम बोले तो ईमान ईमान बोले तो इस्लाम लेकिन दोनों एक जगह आएंगे तो दोनों का माना क्या होगा डिफरेंस होगा वही बोल तो इन्होंने पहले इस्लाम के बारे में मालूम किया फिर ईमान के बारे में दरख्त किया तो अल्लाह के नबी ने चूंकि दोनों एक ही हदीस में दोनों आ गए थे तो अल्लाह के नबी ने दोनों की अलग अलग तारीफ की इस्लाम के तालुक से पूछा तो वो बातें गिनवाई और ईमान के ताल्लुक से पूछा तो फिर अल्लाह के नबी वसल्लम ने वो छः आमाल जिक्र फरमाए अंतु मिनि व मलाई व वतुबी व व व्योम आखिरी वक़द्र खैर ही व शर्रे छः बातों का जिक्र तो यहाँ कहते हैं कि लेकिन एक जगह जमा हो तो दोनों के माने अलग अलग होते हैं अलग अलग हो तो दोनों के माने कैसे होते हैं शेफ एक ही होते हैं दलील दो कलीमे जब अलग अलग जिक्र होंगे तो हर कलिमा दोनों मानी यानी आमाल जाहिरा और बातिना दोनों को शामिल होगा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा अल इस्लाम दीन जो इस्लाम के अलावा किसी को दीन समझ कर ये करे करे मिन इस्लाम के अलावा किसी और चीज को दीन के तौर पर इख्तियार करें वो 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 जगह तोसीफ की शायद दूसरे तोसीफ आ गए माशाल्लाह तो तो कहते हैं कि वह मैब तग गैर इस्लामी दीन अगर आ, कोई भी इस्लाम के अलावा किसी और को बतौर दीन इख्तियार करेगा फलन युक बलामीन वो नहीं चलेगा वह हुआ फिल आखिर मिनल कासरीन और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से हो जाएगा बात हम अब समझा रहे थे कि इस्लाम और ईमान दोनों एक जगह आएंगे एक ही लाइन में एक, एक ही जगह में तो दोनों के मानी अलग अलग होंगे दोनों अलग अलग, अलग आएंगे तो एक ही दो माने में भी आएंगे इस्लाम के माने में भी एहसान के माने में इस्लाम और ईमान दोनों के माने में। तो यहां एक बात उन्होंने कहा कि इस्लाम से मुराद सिर्फ वो पांच आमाल जाहिरा ही नहीं हैं जिनका हदीस में जिक्र किया गया है इस्लाम बोले तो पांच चीजें क्या नहीं इस्लाम बोले तो वो पूरे दीन को शामिल है जैसे कोई भी काम आप करते हैं क्या मुसलमान जैसा काम किए है मुसलमाना करने का काम की सिर्फ पांच चीज आच नहीं पूरे आमाल का मज़मुआ इस्लाम है तो कहते हैं बल्कि यहाँ लफ्ज़ इस्लाम पूरे दीन को शामिल है जिसमें तमाम आमाल वाहिर और बातिना शामिल हैं तो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और आयत में कहा वंग फ़ोरबिलईमानी फ़द हमलो व आख़िरती मन तो सिर्फ लफ्ज़ ईमान का इस्तेमाल दोनों को शामिल है एक आयत में लफ्ज तो ईमान है जो भी ईमान से कुफ्र करेगा उसका अमल गारत हो जाता है वह बिल ईमान फ़कद हा बिल तो आम अलू व आख़िरतमासन और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से हो जाता है उसके बाद इस्लाम के बुनियादी अरकान में से पहला अरकन क्या है पांच बातों का अल्लाह के नबी ने जिक्र किया तो उसमें से ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना नमाज क़ायम करना और उसके बाद साथ साथ कहा कि जक़ात देना रमज़ान के रोजे रखना अगर ताकत हो तो काबित्लाह का हज करना इनको अरकान खमसा फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं और इसका जिक्र हजरत अब्दुल्ला बिन उमर तार की हदीस में भी है बुनियाल इस्लाम अला हमसिन इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है इसकी तफसील बाद में एक एक की तफसी बयान करेंगे इन पांच अरकान में सबसे पहले क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वो कहने के बाद ही ये सारे काम होते हैं नमाज से पहले क्या है ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसकी गवाही सब पर है ये कहने के बाद दूसरी चीजें हैं तो अल्लाह रब्बुल रब्लम की तोहद ये असल है जड़ है तमाम आमाल वाकद में सबसे मुकदम है मुकदम तो फर्स्ट वन कौन सा वो तोद तो के बाद ही नमाज भी जैसे हम लोग बहुत सारे तुम्हें खबर पहुँचाते हैं क्या जाओ उसके बाद नमाज पढ़ते रहो क्या भी होता नहीं ऐसे नमाज का क्या भी फायदा नहीं ऐसी नमाज का कई फ़ायदा नहीं है पहले उसे कब्र पर जाने से तोबा करना है उसके बाद नमाजी बनेगा उसका सवाब उसे मिलेगा तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है और ये दोनों गवाहियां आपस में लाजिम व मलज़ूम हैं अल्लाह की वहदानियत की गवाही नबी की रिसालत की गवाही ये दोनों साथ साथ चलते हैं इसके बगैर वो नहीं उसके बगैर ये नहीं अल्लाह के बारे में बताया ही किसने नबी ने नबी को आप नहीं माने तो फिर फायदा क्या है अगर कोई शख्स ला इल्लल्लाह की गवाही देता है बोलता कि अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम को रसूल नहीं मानता या उसकी गवाही नहीं देता तो वो इहराफ का शिकार है मतलब वो अकीदे से फिरा हुआ है जैसे बहुत सारे लोग अल्लाह के वसल्लम को नहीं मानते हैं क्यों मानते हैं हम दीन इब्राहिमी पर चलते हैं अगर ऐसे करेंगे तो मूसा सलाम के मानने वालों में ईसा सलाम के मानने वालों में इख्तलाफ़ पैदा हो जाएगा इसीलिए सारे रसूल खलास किसी एक रसूल को हम नहीं ऐसी बात नहीं है। तो सारे रसूलों पर ईमान मुजमल होना चाहिए लेकिन मुफसल ईमान नबी पर होना चाहिए नबी की रिसालत का इकरार होना चाहिए उसके बगैर इस्लाम का कोई फ़ायदा नहीं तो ला इल्लल्लाह की गवाही कब मतबर होगी जब रिसालत की गवाही हम दें इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा वल्लज़ी नफ्स मोहम्मद बेदे कसम है अल्लाह की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है अगर कोई भी इस उम्मत से अगर मेरे बारे में सुनता है भले वो यहूदी हो नसरानी हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसे मालूम होता है फिर वो ईमान ईमान लाए बगैर मर जाता है और मेरी रिसालत पर ईमान नहीं लाता इल्ला इलाका नमिन असहा वो कौन होगा जहन्नमी होगा तो अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी की रिसालत दोनों साथ साथ चलते हैं इसके बगैर वो नहीं है उसके बगैर ये नहीं है अगर कोई शख्स मोहम्मद और की गवाही देता है ला इल्लल्लाह की गवाही नहीं देता तब भी नहीं चलेगा वो इजतराब और इनहराफ का शिकार है वो भी नहीं चलेगा उसकी गवाही गवाहीबर नहीं होगी तो जबरील अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सवाल किए उनमें से पहला सवाल किसके ताल्लुक से था इस्लाम के ताल्लुक से था नहीं इस्लाम के ताल्लुक से था तो आपने इस्लाम की तारीफ़ में पांच बातों का ज़िक्र फरमाया था पहली बात क्या थी इलाहा इल्लल्लाह व अन्न महम्मद रसूलुल्लाह आप एक अल्लाह ताला अल्लाह मबूद बरहक़ है इसकी गवाही आप दें अल्लाह ताला के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं इसकी गवाही आप दें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो यहाँ एक बात इन्होंने बताई तो इस्लाम का अहम तरीन नुकता जो है समझने का वो तोद और रिसालत की गवाही है अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही कि अल्लाह ताला अपने अफ़ाल में अपने असमा सिफात में अपने वजूद में अल्लाह ताला अकेला है और रिसालत की गवाही तो ये सबसे पहला गवाह है गवाही है ये ला इला तो एक बात यहाँ कहते हैं कि सिर्फ़ जबान से इकरार काफ़ी नहीं है बल्कि दिल से पहचान भी होनी चाहिए ला इल्लल्लाह हम लोग पढ़े हैं शुरू तो ला इल्लल्लाह में तो सिर्फ एक आदमी अब रस्ते में कौन की जालक था पकड़ लगाए हाँ सुलबा ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल डालेंगे उन्हें उसका क्या भी फ़ायदा नहीं है हज़ार बार बोले तो हज़ार बार बोलेगा क्या करते हैं इसके पूरी मारिफत और बसीरत के साथ गवाही देना जरूरी है पूरा अवेयरनेस होना मैं जो बोल रहा हूं ये इस्लाम की गवाही है इससे मेरे ऊपर पांच नमाजें फर्ज हो जाती हैं और मेरे ऊपर सूद हराम हो जाता है कम अज कम उसे बसीरत हो आगाही हो कि मैं एक अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा हूं इसके बाद सारे लोग जो भी हैं बुत हैं और ये सारी चीजें गलत हैं इसका एहसास से होना चाहिए तो इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत जुखरफ में अल्लाह ताला ने इसकी अहम असल को यानी गवाही जो विटनेस जो होती है क्या बोलते हैं उसको टेस्ट में नहीं हाँ तो वो इल्म के साथ होना चाहिए नॉलेज के साथ इसीलिए नॉलेज कंडीशन ऑफ ला इला में वन ऑफ द कंडीशन है तो जो आप गवाही दे रहे हैं जैसे अल्लाह ताला ने कहा तहामन शहीद अबिलह वह याम मगर वो जो हक यानी ला इला की गवाही दें मगर इस तरह के उन्हें उसका इल्म हो जानबूझकर गवाही दे जाहिलों की तरह नहीं उसे पूरा मैं क्या बोलता हूँ अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देता हूँ उसे मालूम होना चाहिए नबी की रिसारत की गवाही देता हूँ उसके बाद एक और चीज इन्होंने बयान किया थोड़ा ग्रामिकली है मतलब थोड़ा अखल को दस्तक देने वाली बात है क्या बोलेंगे अखल को दस्तक देना बोले तो हाँ यू मस्ट यूज योर माइंड तो आप माइंड यूज करें तो समझ में आएगा नहीं तो सोल री ले अपनी मे लिंद बोल ऐसा कह तुम तो बोलने हो जाएगा तो ये जो बात है ये आप थोड़ा ग्रामर के हिसाब से भी जो लोग ग्रामर पढ़े उनके लिए समझ में आ जाएगा जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो बातें नहीं नहीं लगेंगी ला इराह इल्लल्लाह ला इराह इल्लल्लाह ग्रामर ग्राम कर के साथ तुम्हें भी पढ़े सोच जितने बैठे हैं सब पढ़े नहीं दादूर जाकर पढ़ें तो थोड़ा बहुत तो याद होगा पढ़े हुए बहुत दिन हो गए लेकिन कुछ ना कुछ तो बातें याद होता है तो इसीलिए बोलते हैं कि इल्म के साथ अगर अमल हो तो याद रह जाता है तो इल्म अमल को आवाज देता है अगर नहीं आए तो इल्म चला जाता जा आदमी के पास इल्म नहीं रहता तो पहले उन्हें आवाज देता था आते क्या तो उन्हें क्या करता चले जाता इल्म आदमी के पास से चले जाता उसी आदमी के पास इल्म बाकी रहता जो उस इल्म के मुताबिक अमल करता जो अमल नहीं करता उसके पास इल्म बाकी नहीं रहता ला इल्लल्लाह ये जुमले इसमिया है कैसा बोलेंगे जुमले दो टाइप के होते हैं जुमले फैलिया जुमले इसमिया पढ़े हैं आप हाँ, ग्रामर में पढ़े हैं जुमले इस्मिया जुमले फैलिया तो आ, पोस्ट प्रीपोस्ट वो उसमें जुमले इसमिया में क्या होता प्री पोस्ट प्रीपोस्ट होता मुबतदा ख़बर ये के बारे में तुम्हें बताते हैं। आ, आ, क्या बोलते हैं दरवाज़ा खुल गया इसके दरवाजे के बारे में आप खबर दे रहे हैं अच्छा लाइट ऑन हो गई तो उसके बारे में आप खबर दे रहे हैं तो जुमले ये क्या है ला इरा इला जुमले इस्मिया है ये जुमले फैलिया नहीं यह क्या है इसम से जो जुमला शुरू होता है वो जुमले इस्मिया है इसमें क्या है फर्स्ट लफ्ज है लेटर है ला ला हरफ नफी है ला यह बताने के लिए आता है कि नहीं नो नो के लिए आता और वो नो क्या होता है नफीए जींस के लिए आता है नफी जींस के मतलब उस टाइप की कोई चीज नहीं कैसे आप समझेंगे मैं बोलता हूं कौन भी नहीं बा मैं बोला कौन भी आए नहीं आज कोई भी नहीं आए तो सूझ सुझने वाला क्रॉस कर सकता कौन भी नहीं आए बोले तो बच्चे नहीं आए कि बुढे नहीं आए कि मर्दा आए नहीं कि औरत आए नहीं कि तो उसमें कई टाइप है अगर आप लाए नफी जींस यूज करके बोलते हैं लाए नफी जींस क्या करती है जींस की सारी चीजों को नफी कर देती है कोई भी आई नहीं ना इंसान इंसान की जींस पूरी क्या हो जाती इससे हो जाती है और मतलब कोई नहीं आए कोई नहीं आए सारी चीजें खत्म लाए जिन्स नफी जींस का फायदा देता है इस किस्म की जो नफी है ये मूम का फायदा देती है उमूम का तो कौन भी आए नहीं ना बुढा ना जवान ना बच्चा ना औरत ना मर्द कोई भी नहीं आए गा इराह इला एक ऐसा जुमला है जिसका आगाज नफी आम से होता है नहीं, इनकार से कोई भी नहीं लेकिन खत्म का होता है इस बात पर होता है इस बात का तो इस बात नहीं इस बात का तो आप साबित करते साबित करते हैं। क्योंकि आखिर में ला इल्लाल्लाह इल्ला, इल्ला, इल्ला अदात हसर है अदात हसर अदात का तो लेटर हसर का तो घेरने वाला उन्हें घेर देता यानी अल्लाह पर घेर दिया नहीं कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के अल्लाह को क्या कर दिया घेर दिया उसमें दूसरे कोई दाखिल नहीं होते अब ला इला जो आगाज जुमला के नफी आम का माना यही होगा कि अल्लाह ताला के सिवा क्या बोलेंगे सर अल्लाह ताला के सिवा हर चीज मबूद होने की मुतलक और आम नफी आप ऐसा करते हैं अल्लाह के अलावा कोई चीज मबूद बरहक नहीं अगर मबूद बरहक है तो कौन अल्लाह ला इल्लल्लाह के अंदर ये माना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है ला इल्लल्लाह तो कहते हैं इस अजीम शान कलीमे में ये जो नफ़ी है पहले आप इनकार करते हैं कोई चीज़ बाद में लास्ट में बोलते हैं अल्लाह ताला ही है जो सच्चा मबूद है इसमें क्या क्या है जबान का भी है जबान से आप बोलते हैं और दिल से एतराफ भी है दिल से एतराफ भी करते हैं और बकिया बदन के आमाल भी हैं आप ला इला पढ़ने के बाद नमाज भी पढ़ते हैं रोज़ा भी रखते हैं अच्छा तो कैसे अल्लाह इज़्ज़त की तोहद पर कायम हूं और कहीं भी शिरक का शाइबा यानी मैं शिरक से बहुत दूर हूं तो यहां एक बात बोलते हैं तो वादे हो कि किम ला इला में ला नफी जिन्स है और और कलाम में जब ये ला आएगा तो उसके इसम और ख़बर दोनों का होना जरूरी है ला के बाद दोनों आएंगे इसम और ख़बर जिसके बारे में आप खबर देते हैं तो कहते हैं यहाँ एक लफ्ज़ को नो हिडन मानते हैं वो क्या है हकन कोई सच्चा मबूद नहीं है क्या हक उसमें हेडन मानेंगे अल्लाह कोई सच्चा माबूद नहीं है ला इला बोलते नहीं ला इलाह के बाद क्या मानेंगे हक्न ला इलाह के बाद क्या मानेंगे ला इलाक ला इलाह ताला के बाद कोई सच्चा माबूद कोई सच्चा मबूद नहीं है सिवाय अल्लाह हक एक वहां हिडन महदूफ उसको क्या बोलेंगे छुपा हुआ है जैसे अल्लाह ने मजीद में भी कहा है इसलिए बेशक अल्लाह तबूद हक है और जिन जिन लोगों को ये लोग पुकारते हैं यह सब बातिल हैं तो बात समझ में आ गई नहीं यहां क्या मानेंगे हम ला इलाहा उसके बाद ये तो हो गया उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. उसके बाद क्या आता है हमारे पास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. तो इसके ताल्लुक़ से कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. तो ये अल्लाह के नबी की रिसारत की गवाही तौहीद की गवाही के बाद मोहम्मद अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही भी ज़रूरी है तो यहाँ भी शहादत का मफहम वही है जो कलीम ला इला में गुजर चुका है सिर्फ ज़बान से गवाही दिए तो नहीं चलेगा, बल्कि दिल से एतराफ़ और शहादत ज़रूरी है तो उसके बाद इंसान के अमल में उसका असर नज़र आता है तो कहते हैं अल्लाह तबारक ताली ने कुर मजीद में फ़रमाया है रसूल वमाबीन हमने जो भी रसूल भेजे हैं वो अल्लाह की इजाज़त से उनकी इताद की जाती है तो कुरान में बहुत सारे जगहों पर रसूल करीम की इताद का हुक्म दिया गया है बल्कि एक मुकाम पर आपकी इतात को हिदायत के शर्त के तौर पर जिक्र किया गया है आपको अगर हिदायत होना है तो नबी की बात मानो हिदायत भी मिलेगी यानी अगर आपकी इतात होगी तो हिदायत वरना गुमराही में चले जाओगे गुमराह हो जाओगे व इन तुतीउहु तदू तो किसी भी अमल के कबूल होने के लिए शर्त है कि हम अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो अमल करें तभी अल्लाह ताला कबूल करेगा जैसे अल्लाह ताला ने तुरान मजीद में कहा या यूहनाती लोग और उसके रसूल की इताअत करो और अमाल को गारत ना करो बेकार न करो और दो हदीसों में भी अल्लाह के वसल्लम ने बतलाया मन फी अमरीना हादा मालई समिन तो जो हमारे दीन में कोई नया अमल ईजाद करे वो मरदूद होगा मना अमिला अमरुना यानी जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अमर न हो तो वो मरदूद होगा बहुत सारी बात तो यहाँ एक बात हमारे साथ है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते मालूम भाई नीयत अच्छा रहना भाई नीयत अच्छा रखो हमें क्या करे तो भी चलता मिलादुल नबी मनाने वाले अच्छी नीयत से इतना मनाते हैं। तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम नहीं है मना सकते है ना नीयत अच्छी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनेंगे अल्लाह के नबी अच्छी अच्छी बातें आएंगी हमारे पास हा? खाना भी मिलता है अल्लाह के रसूल का तरीका तो एक फिक्र की तरदीद इन्होंने की है कि एक बातिल फिक्र लोगों में आई है Uh, क्या बोलते हैं कि अमल कबूल होने के लिए सिर्फ अमल करने वाले की सच्ची तड़प और अच्छी नीयत ही काफी है कोई भी अमल आप अच्छी नीयत और सच्ची तड़प से करेंगे तो अल्लाह आपकी नीयत कबूल कर आपका अमल कबूल कर लेगा वो अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक होना जरूरी नहीं है। आपकी नीयत अच्छी हो तो बस है। ऐसा आप अच्छा इतना करते हैं ये लेबल, लेबल लगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं चाहे नबी की पैदाइश पर केक काटो कोई बात नहीं है। मैयत मर जाए तो नमक बाटो कोई बात नहीं है नहीं? कुछ भी करो कुछ भी कर लो अच्छी नियत से करते हैं कोई बात नहीं है तो इस तरह का एक गलत रस्म गलत सोच बेकार सी सोच है जिसमें मच्छर के बराबर भी वजन नहीं है बिल्कुल गलत बात है कैसे आप समझेंगे इस मिसाल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो सहाबी जिनकी नीयत क्या हमारे से अच्छी नहीं थी वो बड़ी अच्छी नीयत वाले थे ईद की नमाज से पहले उन्होंने क्या कर दिया था जानवर जबा कर दिया था अच्छी नीयत थी क्या नीयत थी मेरा जानवर जल्दी जबा हो गया तो गरीब लोगों तक मेरा गोश्त जल्दी पहुंचेगा नीयत अच्छी थी तो गोश्त जल्द अज जल्द गरीब साहब कराम के घर तक पहुंच जाएगा इससे बेहतर नीयत क्या हो सकती थी लेकिन दरबार रबूत से जो फतवा शादिर हुआ उनके हक में शाह का शाह तुहमिन अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारी जो बकरी जबा हुई है वो गोश्त के वास्ते जबा हुई कुर्बानी का क्या भी सवाब मिलता नहीं खलासाहाबी की नीयत से बढ़कर किसकी नीयत अच्छी हो सकती है? लेकिन दरबार रिसालत ने कहा वहां से फतवा आया कि आपकी कुर्बानी नहीं चलेगी कोई और तुम्हारी ये बकरी सिर्फ गोश्त की बकरी है कुर्बानी हरगिज नहीं हुई फिस्सा खत्म तो ये सही बुखारी में लंबी हदीस है तो हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह इस हदीस पर इस वाक़े पर तालीख यानी कमेंट करते हुए हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह लिखते हैं फऊदू इन कहते हैं देखिए उनकी बात क्या है वफी अन्नल अमल व वा इन वाफक नियत हसना, लम यसह इल्ला इदा वका अला वफक शर इस हदीस में इस बात की दलील है कि अमल चाहे कितना ही नेक नियति से अदा हो उस वक्त तक दुरुस्त और काबिल कबूल नहीं हो सकता जब तक के नबी की सुन्नत के मुताबिक अदा न हो अगर हम लोग खड़े अब एक नया टैप शुरू करें नहीं वो पीछे नमाजियों को तकलीफ़ होती रहती वो कुरान ख़त्म करना कहते नमाज में लम्बा पढ़ती ये अल्लाह के नबी का तरीक़ा है आप कुरान ख़म ही करना चाहते हैं तो रमज़ान में तरावी में ख़त्म कीजिए उसके बाद बैठिए आप बैठ के जितना लम्बा पढ़ाना है पढ़ लीजिए लेकिन क्या जरूरी है कि आप फर्ज नमाज में सारे मुख्तियों को तकलीफ देते हुए बोले नहीं कुरान खत्म कर दे लम्बा पच्चीस मिनट फजर की नमाज पढ़ाएंगे ईशा की नमाज़ एक बीस मिनट पढ़ाएंगे इसकी ज़रूरत नहीं है ये नबी का ये नबी सल्लम मुख्तसर करते थे मुख्तसर करते थे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है या आ, कोई और नागहानी सूरत आ जाती है अल्लाह के नबी असलम मुख्तसर करते अकेले पढ़ना चाहे आप पढ़ लें पूरा कुरान नहीं और दो मरतबा खत्म कर लें कोई हर्ज नहीं है तो कहते हैं सुना कहते हैं ए, एक और चीज जिसके बारे में कहा कि इज्तिमाही जिक्र बिदात है क्या है कौन सा इज्तिमाही जिक्र इज्तिमाही दुआ ये बिदात है तो गोल बैठेंगे बैठ के बोलो भाई ला लाला खान कह में वो क्या बोलते हैं खान काह में बैठेंगे वो इज्तिमाही जिक्र करते है। ये बिदात है जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह के बारे में आता है वक़ा अला उनासिन फिल मस्जिद मुतहल्कि अब्दुल्ला बिन मसौ रजी अल्लाह बार मस्जिद गए तो देखा कि वहां चंद लोग हल्का बना के बैठे हैं उनके हाथों में कंकरियां हैं छोटी छोटी कंकरियां हैं उनमें से एक आदमी बोलता सौ बार अल्लाह अकबर बोलो सो बैठे सब भी क्या बोलते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सब मिलकर बोलते हैं अल्लाह सो उबार उसके बाद फैकुल उसके बाद फिर बोलता सोबार ला इलाह पढ़ो तो भी इलाह सब भी सोबार ला इला सब बेहिया सौ बार सुबहान अल्लाह बोलो सो बोलते तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज अल्लाह तन को बड़ा अचंबा हुआ बोला कि एक हमें साहबा अल्लाह के हमें देखे ये ये क्या है ये नया तरीक़ा क्या है महाजल आराकुम तस्नाउन मैं क्या देख रहा हूँ तुम लोग क्या करते हैं कालू या अबा अब्दुलरहमान उन्होंने कहा कि अब अब्दरहमान कुनियत है कुनियत से बुलाना इज्जत की बात है तो कहा कि हम इन कंकरियों पर अल्लाह अकबर ला इराह और सुबहान अल्लाह कंकरियों पर गिन रहे हैं कंकरियाँ कितने की गिनते जाते हैं तो पहले वो चाइना का आता था, था नहीं वो क्या वो स्टील का मरले को बेटर तस्वीर आती थी स्टील की नहीं हो आ, गिनते रहते हैं जैसे बहुत सारे हैं अभी आपसे बात करते रहेंगे इधर चलता रहेगा ये कौन सी जिक्र मुझे मानो हाँ बात करते ऐसा मैंने देखा बहुत सारे लोग हलाते रहते हैं तो कहा कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहा बेहतर है तुम इस जगह अपने गुनाह को गिनो गुनाह की गिनती करो जिस पर मैं जमानत देने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारी कोई नेकी जय नहीं होगी तुम अपने गुनाह को शुमार करो फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रजोंने कहा अम्मत मोहम्मद तुम पर अफसोस है तुम किस कदर जल्दी बर्बाद हो गए नबी साम के सहाबा ब मौजूद हैं अभी हम लोग जिंदा हैं अभी आप सल्लम के कपड़े तक बोसीदा नहीं हुए जो कपड़े थे वो कपड़े तक पुराने नहीं हुए और आप ने जिन बर्तनों को इस्तेमाल किया वो बर्तन तक नहीं टूटे और आप लोग बदल गए बिदतें कर करनी तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तारू ने कहा कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है या तो तुम एक ऐसे तरीके पर कायम हो चुके हो जो मोहम्मद के तरीक़े से अव्वल और ज़्यादा हिदायत याफ्ता है अगर ये तुम्हारा काम अच्छा होता तो नबी हमको बता कर जाते हम वैसे ही करते या फिर धुम या फिर तुमने गुमराही का दरवाज़ा खोल दिया तो उन्होंने जवाब क्या दिया उन्होंने कहा अब अब्दरहमान अल्लाह की कसम हमारी नीयत खैर तलब करना है हमारी नीयत गलत नहीं है अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तनों ने कहा कितने ही लोग जिनकी नीयतें अच्छी होती हैं मगर उनको खैर कभी नसीब नहीं होता अच्छी नीयत से करते हैं लेकिन उनको भलाई कभी नहीं मिलती तो शेख अलबानी ने सिलसिलतुल सिलसिलहदीस में इसे बयान किया है तो आखिर में लिखते हैं आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अब्दुल्ल बिन मसूद रजी अल्लाह उन्होंने उन लोगों की सच्ची और नेक तलब वाली बात को किस तरह रद्द फरमा दिया तो नीयत अच्छी होना यह जरूरी नहीं है काम के लिए क्या होना चाहिए नबी ने किया कि नहीं किया यह होना चाहिए वजह थी कि उनका यह अमल अल्लाह के नबी वसल्लम की मुबारक सुन्नत से साबित नहीं था जिससे बात हमारे समझ में आती है कि एक आदमी उसकी तलब कितनी ही नेक क्यों ना हो हमारे टीम में भी ऐसे बहुत सारे पागल क्या नए नए, नए फितरे रोज मैं अच्छा नीयत से अच्छी नीयत से कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कोई भी काम आप करना चाहें मशवरे के साथ अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में आप करेंगे उस आदमी की नीयत कितनी ही नेक क्यों ना हो लेकिन अगर उसका अमल अल्लाह के नबीसम के तरीके के खिलाफ है तो वो मरदूद है रिजिक्ट है वो काम हम नहीं लेंगे इशा कल हमारे साथ एक और बात है कि अल्लाह के मोहम्मद अल्लाह के नबी की रसालत की गवाही जब हम देते हैं तो उसके क्या क्या तकाजे हैं तकाजे बोले तो जब नबी की रसालत की आप गवाही देंगे तो उसके क्या क्या तकाजे हैं तो कैसे आप हादीत को मानेंगे कैसे नबी की इतबा करेंगे ये सारी बातें इन शर्स में हम पढ़ते हैं तो सारी बातों का ख़ुलासा ये था कि हमारी नेक नियति ये नहीं चलेगी अल्लाह के नबी की सुन्नत को देखना होगा उसी पर हमको सवाब अल्लाह ताला देंगे। और भी बातें हमारे साथ थी कि सिर्फ जबान से गवाही देना बस नहीं है दिल से इल्म और बसीरत भी होनी चाहिए जिस बात की आप गवाही देते हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत की जो गवाही जरूरी है नबी की रिसालत की गवाही भी जरूरी है दोनों साथ साथ चलते हैं इसके बगैर उसका शुमार नहीं होगा उसके बगैर ये शुमार नहीं होगा अल्लाह ताला हम सबको नेक और अच्छा अकीदा है उस पर अल्लाह ताला कायम क़ायमदायम रखे अल्लाह ताला हम सब को सुनत की इतबा की तोफ़ी दे आमीन असलम आलकम वल्लि वर्का